अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1 दैट वी डिड इन 9th क्लास, एंड नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 दैट आर द अदर पार्ट ऑफ द History of Pakistan part 1, and this is the part 2. In the previous lecture we discussed short questions from exercise question number 1 to 5, and now we are doing question number 6 to 10. Other additional questions are also available on my Facebook page Pakistan Studies and Social Studies, and that will be inshallah available in video of chapter number 6, and we will also discuss long question that haven't headings. Inshallah I will also provide that. So क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय लाहौर डिक्लेरेशन। एलानिया लाहौर से क्या मुराद है? लाहौर डिक्लेरेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर विद अ मैसेज ऑफ गुडविल एंड पीस, एक अच्छे जेस्चर्स के लिए और अमन के लिए उन्होंने लाहौर विज़िट किया। भारत से वो तशरीफ़ लाए यहाँ पर। तो मिस्टर नवाज शरीफ दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम welcome him at the Wagah border, and both leaders announced many plans to normalize the mutual relation. bahmi jo talukat the unko behtar karne ke liye unhone kafi jo plans the wo elan kiya unka. a joint communique was signed which called lahore declaration. ek bahmi ek muahida jo hai wo sign hua, isko lahore declaration kaha jata hai. So next question is, why is the 1973 constitution is called the federal constitution? So वफाक और प्रोविंस का बाहमी जो मिलाप है, बाहमी उसके तावन से जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है 1973 का. as there this is also to call the federal constitution like the previous constitution. The Federation of Pakistan consists of 4 provinces, federal capital and joining tribal areas which are called FATA, federal administered tribal areas, and PATA, provincial administered tribal areas. So in the answer we need to include FATA and PATA, otherwise that will not complete answer for FBISC board examinations. okay, so federation जो है हमारी वफाक से है, तो एक वफाक की हुकूमत होती है जो ओवरऑल पूरे मुल्क की होती है. द अदर वन इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि सूबों में काम करती है. फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क से चलाती है. लाइक अभी जो गवर्नमेंट है जो पीटीआई के पास है, तो ये फेडरल में है, तो फेडरल इसका ही प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है जो फेडरल में गवर्नमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लिमिट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड विच प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फिक्स फॉर द इंडिविजुअल होल्डिंग. लिमिट ऑफ लैंड क्या थी, ज़मीन की क्या लिमिट थी कि जो उन्होंने फिक्स की थी किसी इनफरादी मलकियत के लिए. सो इसमें आपने हेडिंग ज़रूर लिखना है लिमिट ऑफ लैंड लिख के, उसके बाद उसका मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे आंसर को. तो लिमिट ऑफ लैंड ऑनरशिप एरीगेटेड बाई कैनाल्स वाज फिक्स अप टू 150 एकर्स, यानी कि जहाँ पे आपाशी नहरों के ज़रिए से होती है वहाँ की जो ऑनरशिप है वो 150 एकड़ होगी,
एंड लैंड एरीगेटेड बाई द नेचुरल रेन दैट आर नोन एज एरिड एग्रीकल्चर एरियाज, वहाँ पे जो ऑनरशिप होगी दैट वुड बी 300 acres, यानी बारानी इलाकों की ज़मीन की जो ऑनरशिप है वो 300 acres होगी, उससे ज़्यादा जो है वो कन्फिस्टिकेट कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडर विच अमाउंट वर द हबीब बैंक एंड UBL प्राइवेटाइज। हबीब बैंक और UBL पहले जो है गवर्नमेंट के इदारे थे, तो उनको प्राइवेटाइज़ किया गया, तो हबीब बैंक को जो है 22 billion में और यूनाइटेड बैंक को जो है दैट वाज सोल्ड फॉर ओनली 13 billion रुपीज़ इन दिसंबर 2004। द नेक्स्ट इज इन विच इलेक्शन वाज ग्रेजुएशन वाज कंडीशनल फॉर द कैंडिडेट, कौन से इलेक्शन में ग्रेजुएट की जो है वो शर्त थी कि जो कैंडिडेट है नेशनल असेंबली वगैरह के लिए वो उसकी तालीम जो है वो BA ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन नवंबर 2002 इलेक्शंस दैट वाज हेल्ड इन नवंबर 2002, इन दिस इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी अ ग्रेजुएट, इसमें कहा गया कि जो कैंडिडेट है वो उसकी जो तालीम है वो BA होनी चाहिए, राइट। जो पंजाब के जो बोर्ड हैं वो अगर जस्ट नवंबर 2002 भी लिख देते हैं तो उनका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन माय फॉरमोस्ट फर्स्ट लेक्चर दैट फॉर द फेडरल बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव यू नीड टू राइट डाउन इन 2 to 3 or 4 लाइंस, यू नीड टू एक्सटेंड योर आंसर, सो दैट्स वेयर यू हैव टू राइट डाउन मोर दैन 2 to 3 सेंटेंसेस, राइट। इन प्रोविंशियल एग्जामिनेशन प्रोविंशियल बोर्ड इफ़ यू राइट डाउन जस्ट वन लाइन दे विल गिव यू द मार्क्स, सो इफ मीन यू राइट डाउन इन नवंबर 2002 कैंडिडेट द दैट वाज कंडीशन फॉर द कैंडिडेट टू बी अ ग्रेजुएट, तो एक लाइन में अगर लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, अस्सलाम वालेकुम।